हेलो दोस्तों, ये यूपी डीएलएड था सेमेस्टर की दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी बेसिक है इस चैप्टर का, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का, यानी इस चैप्टर में करना क्या है, कौन से शब्द का क्या मतलब है और कैसे करना है, क्या फॉर्मूला यूज होना है, वो आपको सब उसमें मिल जाएगा पूरी डिटेल्ड के साथ, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके और आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है, कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है दोस्तों, कि यहाँ पर कितने धन की बात हो रहा है, यानी कितने धन की, यानी कि धन तो दिया ही नहीं ना। अब जब धन दिया ही नहीं तो धन कौन सा नहीं दिया, ये धन नहीं दिया, मूलधन, ठीक ना। यहाँ पर हमें मूलधन दिया नहीं है, यानी कितने धन की बात कर रहा है तो मूलधन तो दिया ही नहीं, यानी मूलधन यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्याज हमें ऑलरेडी, मतलब जो क्वेश्चन है धन का, ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपये हो जाएगा। 67 रुपये क्या हो जाएगा, 67 रुपये ब्याज ही तो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये दिया है कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपये हो जाएगा। यानी कि 4% जो वार्षिक है ये तो आपकी दर हो गई, 5 वर्ष भी दी हुई है, तो इसका मतलब समय भी हमको दिया हुआ है, और 67 रुपये हो जाएगा। 67 रुपये क्या हो जाएगा, 67 रुपये ब्याज ही तो हो जाएगी, तो ब्याज भी हमको ऑलरेडी इसमें दे दी है, ठीक है ना। यानी कि हमें इसमें धन नहीं दिया, धन मतलब मूलधन नहीं दिया ना, तो हमें मूलधन ही तो निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो इसमें करेंगे क्या, अब इसमें करना इतना सिंपल सा है आपको दोस्तों। मैं जो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला बना उसी पुराने फॉर्मूले से बना हुआ है, आपको उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करने हैं, केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अब जैसे आपका जो फॉर्मूला था, मैं एक बार फॉर्मूला लिख के बता दे रहा हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला आपका दोस्तों ये था, सरल ब्याज बराबर जो आपका फॉर्मूला था, सरल ब्याज बराबर, यही तो फॉर्मूला था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यही फॉर्मूला था। हमें क्या निकालना है, हमें तो मूलधन निकालना है ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन निकालना है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मूलधन अगर हमें चाहिए तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि ब्याज गुणा सौ बराबर इस जगह क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये समय है ना। हमें तो केवल मूलधन चाहिए, हमें तो मूलधन से मतलब है, तो इसको भी क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको भी इसके क्या क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो इसको क्या करें, इसको यहाँ से गायब कर दे रहे हैं, जो दर और जो समय वाला है ना, ये यहाँ से इसको क्या कर दे रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं। और जब इसको यहाँ से गायब कर देंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये मूलधन जो दर और समय था वो इसके भाग में आ जाएगा, यानी दर गुणा समय, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, मूलधन बराबर ब्याज गुणा सौ बट्टे दर गुणा समय, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, मूलधन बराबर ब्याज गुणा सौ बट्टे समय गुणा दर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ब्याज हमें कितनी दी थी, 67, 67 दी हुई है, 100 तो 100 लिखा ही हुआ है सिंपल सा, समय हमें 5 दिया था, 5 भी लिखा हुआ है, दर हमें 4 दी थी, 4 भी लिखी हुई है दर, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपल सा सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा जूम कर दूँ इसको तो आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ये कितना, ये 67 गुणा 100 बट्टे 5 गुणा 4, यही तो लिखा है ना, ये कितना है, ये 67 है, ये आपका कितना है, 100 है। तो अब आप इसमें जैसे आप देखेंगे तो 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार, और 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, 5 बार, और 5 का इसमें आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 7 35, यानी कि 5, और हासिल कितनी, 3 5 6 30, 30 और 3 33, यानी कि कितना आ गया आपका, 335 रुपये आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, मूलधन होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको बस दोस्तों समझने वाली बस बात इतनी है कि यहाँ पर आप जो हमारा पुराना फॉर्मूला था ना, बस उसको थोड़ा इधर से उधर कर दिया है और कुछ नहीं, यानी कि मूलधन को पहले रख दिया है और कुछ नहीं। अगर आप पुराने फॉर्मूले में भी रखना चाहें तो उसमें भी रख कर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
कितने धन का बात हुई है, कितने धन का, इसका मतलब मूलधन हमें यहाँ पर भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। कितने धन का बात कर रहा है, तो मूलधन यहाँ पर भी नहीं दिया दिया हुआ। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि मिश्र धन जो है ना वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% यानी कि हमें दर हमें दी हुई है, दर हमें दे दी हुई है कि दर से 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष, यानी कि हमें समय भी दिया हुआ है, 575 हो जाएगा। 575 क्या दिया है कि जो 575 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिश्र धन दिया है, यानी मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, यानी मिश्र धन 575 हो जाएगा, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में मिश्र धन भी दिया हुआ है। और जबकि हमें ब्याज, और यानी कि जो सरल ब्याज या साधारण ब्याज कहें या सिंपल में ब्याज कहें और जो मूलधन कहें, वो दोनों चीज़ें आपको नहीं दी हुई हैं। लेकिन आपको निकालना क्या है, निकालना हमें कितने धन का, यानी कि हमें मूलधन ही निकालना है, ठीक है ना। हमें ब्याज दिया हुआ नहीं है और मूलधन दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें मूलधन तो निकालना ही है, लेकिन हमें मिश्र धन दे दिया है, दर भी दी हुई है और आपको समय भी दिया हुआ है। तो आप करना कैसे है, सिंपल सा, आप वो समझिए, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था मूलधन निकालने का एक फॉर्मूला तो बता दिया था, लेकिन हमें ब्याज भी तो पता होनी चाहिए, लेकिन हमें ब्याज तो पता नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें सिंपल सा, हम ब्याज को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ब्याज को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा जो आपको नोटिस करना है, वो सिंपल सा ये करना है नोटिस कि हमने हमें पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, इसको चेक कर रहा था मैं जरा, मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, जो मिश्र धन बराबर जो होता है वो क्या होता है, मिश्र धन बराबर है ना, तो मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस के ब्याज, यही तो होता है ना। अब मिश्र धन तो हमें दिया है कितना, 575, लेकिन हमें मूलधन तो दिया ही नहीं है, ना ही हमको ब्याज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, या तो मूलधन को एक्स मान लो या फिर ब्याज को एक्स मान लो, किसी को भी आप मान सकते हैं और दोनों तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हम मान लेते हैं कि ब्याज को ही हमने एक्स मान लिया, ब्याज को क्या मान लिया, ब्याज को हमने एक्स मान लिया, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा आपका 575 माइनस के एक्स, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि एक्स को जब हम इस साइड में, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो एक्स को जब हम इस साइड में लेकर के आएंगे, यानी कि कितना, 575 माइनस के एक्स, 575 माइनस के एक्स बराबर कितना, मूलधन, यही तो है, मूलधन बराबर 575 माइनस के एक्स ही तो आएगा, यानी कि मूलधन बराबर कितना निकल आएगा आपका, 575 माइनस के एक्स। अब हमने अभी भी यहाँ पर देखा था कि मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या था, मूलधन बराबर हमने ऊपर अभी एक फॉर्मूला देखा था, मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या था, ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय, यही तो देखा था फॉर्मूला। तो ब्याज हमारी क्या है, ब्याज हमने एक्स मान ली थी, ब्याज क्या मान ली थी हमने, एक्स गुणा 100 बटे दर हमें कितनी दी हुई है, दर हमें दी हुई है 5%, गुणा समय हमें कितना दिया है, 3 वर्ष का, तो 5 से 100 को काट देंगे 20 बार, यानी कि कितना आ गया ये आपका, आ गया 20x/3, आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मूलधन, क्या आ गया आपका, ये मूलधन 20x/3। लेकिन अभी हमने देखा था कि जो हमारा मूलधन निकला था वो कितना निकला था, मूलधन हमारा निकला था 575 माइनस के एक्स, यही तो निकला था मूलधन हमारा पीछे अभी, और जबकि हमने अभी जो निकाला था वो वाला मूलधन कितना था, वो वाला मूलधन था 20x/3, यही था, यानी कि ये भी आपका मूलधन और ये भी आपका मूलधन, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर में रख देंगे। अब इसके अपन में बन मान लूँ, तो फिर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये इक्वल का साइन था, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 15, 3 7 21 और 1 22, तो 5 15 और 2 17, यानी 1725 माइनस के 3x बराबर कितना, ये 20x। अब आपको क्या कर देना है, ये सिंपल सा सॉल्व कर देना है, ठीक है ना, यानी कि 1725 ये इधर बराबर 3x को हम उधर ले जाएंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा, यानी 23x बराबर 1725। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, तो हमने देखा हमारा कितना आया था अभी, 23x बराबर 1725,
25। अब आपको क्या करना है, एक्स बराबर निकालना है ना, तो एक्स बराबर 1725/23, जब आप इसमें इसका भाग कर देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 75 बार। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 75 बार जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, 75। और एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था ब्याज, यानी कि ब्याज हमारा कितना निकल आया, 75। हमें तो निकालना था क्या, मूलधन। और मूलधन बराबर आपने अभी मैंने बताया था, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन, मिश्रधन माइनस के ब्याज, यही तो था फॉर्मूला। मिश्रधन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 575, माइनस के ब्याज हमने निकाला कितना आया, 75। तो इसमें से 575 में से 75 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500 आपका आ जाएगा, यानी कि मूलधन आपका आंसर निकल आया, कितना आ गया, 500 आपका आ जाएगा मूलधन। ठीक है ना, आपको यहाँ पर मैंने ब्याज भी निकाल करके बता दिया कि ब्याज कितनी थी, 75 थी। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ ही निकालना सीख लिया कि अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ पूछ ली जाती है तो आप दोनों ही निकाल सकते हैं, ब्याज भी और मूलधन भी। ठीक ना, अब दोस्तों देखो, बहुत से जो हमारे दोस्त होंगे उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो ये वाला हल दिया हुआ है, हम इससे भी तो सिंपल तरीके से निकाल सकते थे, हमें एक्स की क्या जरूरत थी ये चीज़ मानने की, एक्स को निकाल के पहले ब्याज निकालो और फिर मूलधन भी निकालें, तो ऐसे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समझाने वाली बात ये है कि मैं आपका जो फॉर्मूला है ना वो चेंज करवाना नहीं चाहता, मैं आपका तरीका चेंज करवाना नहीं चाहता, है ना, यानी कि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि हमको कैसे करके करके चलना है, जिससे हम ब्याज भी निकाल पाएंगे और मूलधन भी निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ देगी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पर आप कितने फॉर्मूले भी याद रख पाएंगे, है ना, आप केवल एक सिंपल सी जो आपका एक तरीका है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, आप केवल वही लेकर के चलिए, आपसे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए मेरा जो मेन उद्देश्य है, केवल इतना बड़ा अगर सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ तो उसका केवल उद्देश्य यही है कि आपका कॉन्सेप्ट चेंज ना हो और आप उसको अच्छे से उसको पकड़े रहें, उस कॉन्सेप्ट को, और उसी से सारे क्वेश्चनों को कर सकें। ठीक, अब हम जैसे ही इसी तरीके से अब हम अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें यहाँ पर दर दी नहीं हुई है, यहाँ पर हमें दर क्या है, दर तो दी ही नहीं है, तो हमें दर तो निकालनी है। अब यहाँ पर 350 रुपये का, 350 रुपये का, यानी कि ये क्या दिया है, ये हमें दिया हुआ है मूलधन, मूलधन दिया हुआ है 350 रुपये का, है ना, ब्याज 4 वर्ष में, 4 वर्ष में, यानी कि हमें समय भी हमें दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा, यानी कि ब्याज इतने दर से इतने रुपए का 4 वर्ष में इतना मिलेगा, यानी ब्याज भी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ब्याज कितना है, 84 है। ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन में कहा था, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा, यानी कि ब्याज कितना दे दिया हमें, 84 रुपये ब्याज दे दिया, मूलधन भी हमें दिया हुआ है, समय भी हमको दिया हुआ है, निकालना क्या था, निकालना हमें केवल क्या है, दर निकालनी है। तो सिंपल सा देखो, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो पहले वाला था। आप सोच रहे हो कि ये तो नया फॉर्मूला आ गया दर का, ये दर का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो वही फॉर्मूला था, बस उसी को तोड़ मरोड़ कर ऐसा इधर से उधर कर दिया है। जैसे मैं आपको फिर से बता दूं एक बार फॉर्मूले से, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये तो वही फॉर्मूला है। तो जैसे देखो, ब्याज बराबर क्या था, ब्याज बराबर था सिंपल सा मूलधन गुणा दर गुणा समय, फॉर्मूला वही है दोस्तों, मैं चेंज नहीं करूँगा फॉर्मूले को, मैं आपको एक ही फॉर्मूले से सभी करा दूंगा, ठीक है ना, 2/100 यही था। अब हमको क्या निकालना था, हमें तो दर निकालनी है ना, तो जैसे पहले हमने मूलधन निकाला था, इस बार हम दर निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ब्याज गुणा 100, इधर आपका क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा आपका ये मूलधन दर और समय, हमें तो केवल दर चाहिए ना, तो इसका मतलब मूलधन और जो समय है ना, इसको गैप गैप करना पड़ेगा, तो इस क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इधर आएंगे तो किस में आ जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएंगे, यानी कि मूलधन गुणा समय ये आपके किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इसके डिवाइड में, और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। तो दर बराबर क्या आ गया फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, ये आपका फॉर्मूला नया बन करके तैयार हो गया। नया कुछ नहीं है दोस्तों, वही है बस उसी, अगर आप इसी में वैल्यू रख देंगे इस जगह, आप फिर आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना, तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा खास नहीं कि आप फॉर्मूला बना करके ही करें, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, तो ब्याज आपकी कितनी थी,
ब्याज हमें दे दी थी इसमें ऑलरेडी 84, जो आपको यहाँ पर 84 हमने रख दी, 100 का 100 ही रख दिया। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है इसमें, 350 रुपये दिया है, और समय कितना दिया था 4 वर्ष का, तो 4 हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका दर, 6% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं भी आपको बता दे रहा हूँ तो आपको आसानी होगी। यानी कि हमको दिया था तो 84, ये कितना है, ये है आपका 84 है ना। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ तो जैसे कई लोगों को जैसे नज़र नहीं आ रहा हो क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है ना, तो 350 गुणा 4 ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आप, सिंपल से इसमें इजी कैलकुलेशन करनी है। 4 से हम इसको काट देंगे तो 4 दुनिया 8, 4 एकम 4, यानी 21 गुणा 100। अब हम इसको भी देखो, 1 0 से 1 0 कट गई है ना, इसको अगर हम काटें तो 7 पंजे 35, और 5 से इसको काट देंगे, 5 दुनी 10, और 7 से ये भी काट देंगे, 7 या 21, तो ऊपर कितना बचा, 3, और बचा ये 2, वो भी किस में, गुणा में, तो 3 दुनी 6, यानी कि दर हमारी परसेंटेज में आती है, तो 6% आपका क्या हो गया, दर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नया इसमें कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला आपको वही रखना है, बस आपको क्या कर दिया इसमें, बस कभी दर पूछ रहा है, कभी समय पूछ रहा है, कभी मूलधन पूछ रहा है कुछ नहीं, बस एक ही फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूले को लेकर के चलना है, और आपके सारे क्वेश्चन ईजली तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बन जाएंगे। ठीक है ना, कुछ भी नया याद करना नहीं है, बस केवल वही एक फॉर्मूला याद करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है कितने समय में 900 रुपये का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कितने समय की बात करी गई, तो समय नहीं दिया, जैसे उस वाले क्वेश्चन में दर नहीं दिया था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया था, अब यहाँ पर समय नहीं दिया है, बस और कुछ बात नहीं है। 900 रुपये का, 900 रुपये का, यानी कि 900 रुपये क्या हो गया हमारा, ये मूलधन हो गया, 900 यानी कि ये क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, 6% वार्षिक ब्याज की दर से ये हमारी क्या हो गई, ये हमें दर दी हुई है, से 189 हो जाएगा। 189 क्या हो जाएगा, 900 रुपये का ब्याज जो है ना, ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 हो जाएगा। ये हमें क्या दे दिया, ये हमें ब्याज दे दिया है, यानी कि हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, बस सिंपल सा। ब्याज हमें दी हुई है, मूलधन दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा, समय आ जाएगा। चलो हम करके दिखा देते हैं, है ना, करके दिखाएं। जैसे तो यहाँ पर मैं आपको जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, है ना, गुणा समय बटे 100, यही था ना। अब हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो वही आपका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्याज गुणा 100 बराबर आपका इस जगह क्या रह जाएगा, मूलधन रह जाएगा, दर रह जाएगा, और आपका समय भी रह जाएगा। हमें तो केवल समय चाहिए ना, समय चाहिए तो इसको गायब करना पड़ेगा, तो जब इसको गायब करेंगे तो ये इधर जाएगा, इधर किस में आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि मूलधन गुणा दर आपका किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से क्या कर देंगे इनको, इनको यहाँ से गायब कर देंगे, यहाँ से हटाओ इनको, यहाँ से कोई काम नहीं ना इनका, तो यहाँ से हटा दिया, तो समय बराबर आपका क्या फॉर्मूला बन गया, सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला बन गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल सा। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हम जैसे यहाँ पर ये रख लेंगे जो दी हुई है, मैं इनका कैलकुलेशन आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यानी 189 ये आप, ये हमने रख लिया, और ये क्या है, ये 100 है, यानी कि 189 हमें ब्याज दी हुई थी ना, और ये 900 रुपये आपको क्या दिया था, 900 रुपये मूलधन दिया था, और ये 6 किया दिया है, 6 दर दिया है, हमें समय निकालना था ना, तो सिंपल सा 2 0 से 2 0 कैंसिल, है ना। अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। अब जैसे यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड दे देंगे, अब जैसे 9 और 1 10 और 8 18, यानी कि इसमें 9 से डिवाइड चला जाएगा, 9 दुनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 21 ऊपर नीचे 6, है ना। अब ये भी काट देंगे तो 2 3 6 और 3 7 21, यानी कि ऊपर 7 और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगी। हम इसको थोड़ा और चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं 2 3 6 और 1 सही परसेंटेज, यानी कि 3 सही 1/2% या 7/2%, दोनों ही आपका क्या है, सही उत्तर है। आई होप आपको ये अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे साधारण ब्याज के। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन को इधर से उधर करने की जरूरत नहीं थी, मतलब फॉर्मूले को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी।
आप वैसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। आई होप कि अब आपको ये पूरे जो कॉन्सेप्ट हुआ साधारण ब्याज का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको ईजिली कर पाएंगे। अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे चक्रवृद्धि ब्याज को, और चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, हम उनको आगे बताएंगे, जिससे आपको इस क्वेश्चन जो भी ये चैप्टर है इसको करने में काफ़ी मदद मिल सके और आप अपने क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर सके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरी एंड तक, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।